सारे आंकड़े ने वेख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला कुछ दृश्य दिखाने हैं। असी पिछले दिन ही अपील की एक लड़की अंग्रेज कोर के लिए कि वह बहुत पढ़ना चाहती है लेकिन उन्होंने को पढ़ाई के लिए प्रॉपर फंड्स नहीं है। साड़ी अपील सुनने तो बाद जड़ा है साढ़े एशियन क्लब की सीनियर ऑर्गनाइजर बेअंत कौर ते उन्होंने बेटी हरजस जी ने इस बच्ची ने जड़ा है 3000 रुपये की मदद दी। असी बहुत बहुत थोड़े धन्यवादी हैं बेअंत जी। नाल नाल सारयां नूं बेनती करते हैं कि तुसी भी बेअंत तो जरूर कुछ सीखो तो इन्हों के बच्चों की मदद करो जिहड़े पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्होंने को धन की कमी हैगी है। अज गल करते हैं चंद्रमा के बारे तो लाल किताब के बारे कि दूजे घर के जो चंद्रमा हो जड़ा है तुसी मां के चरण छू के उन्हों का आशीर्वाद लैके जाओ। मकान की न्यों के जो चांदी की इट कर दो। घर परिवार के बजुर्ग महिलावां की सेवा करो तो उन्हों का आशीर्वाद लो। 9 साल तो घट उम्र दी कन्यावां नूं हरे रंग के कपड़े पेंट करके दक्षिणा दो। जे हो सके तो अपने घर के फर्श नूं कच्चा रखो। तीजे घर के बारे गल करते हैं सूरज दीयां वस्तुआं दा दान तुसी करो जो चंद्रमा तीजे घर के विच होवे। माँ दुर्गा जी की पूजा करन नाल लाभ मिलेगा। कन्यादान करना बहुत शुभ हो सकता है। आर्थिक रूप नाल समर्थ व्यक्ति जिहड़े ने घोड़ा पाल लैन। अपनी पुत्री का धन जड़ा है कभी भी तुसी यूज ना करो नहीं तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। पुत्री के जन्मदिन के उत्ते चंद्रमा नाल संबंधित वस्तुआं ते पुत्र के जन्मदिन के उत्ते सूरज नाल संबंधित वस्तुआं का दान करते रहो। चंद्रमा के नाल संबंधित वस्तुआं जड़ियां हैगियां ये दान किदां कीतियां जांदियां असीं तुहानूं दस्सिया। इदां ही सूरज नाल संबंधित वस्तुआं जड़ियां हैगियां कनक फिर बछड़े युक्त गां मानिक फिर जड़ा है लाल रंग का कपड़ा लाल फुल केसर सोना तांबा लाल चंदन भूमि ते पवन आदि। चौथे घर के जो थोड़े चंद्रमा हो ऐसी हालत में दुध दान करना बहुत लाभकारी है लेकिन दुध के दुध नाल बने हुए पदार्थों नाल संबंधित जो तुसी कारोबार करते हो तो थोड़े लिए कष्टकारी साबित हो जाएगा। कोई भी शुभ काम करने तो पहला जड़ा है दुध के पानी का कड़ा अपने हाथ नाल भर के रखो। परिवार के सारे ही मैंबर कट्ठे रूप के नाल धर्म स्थल पर जान ते पित्तर यज्ञ करन। इदां ही खानदानी कारोबार जो तुम करते हो तो थोड़ा लाभदायक रहेगा। पंजवें घर की गल करते हैं जो पंजवें घर के चंद्रमा हो जीवन के तीर्थ यात्रा करनी जी लाभकारी साबित हो सकती है। सो प्यारे दर्शकों सारी ही जानकारी तुम साढ़े अखबार वॉइस ऑफ एशियंस के पढ़ सकते हो जिन्हों मंगवाण के लिए सिर्फ 130 रुपये भेज के सारा साल हर हफ्ते थोड़े को घर पहुँचता रहेगा। जो थोड़ा कारोबार के रुकावट महसूस हो रही है व्यापार बंद है संतान नहीं हो रही शादी के देर हो रही है मंगलिक दोष है गंढ मूल की प्रॉब्लम है कर्जे सिर के उत्ते आ रहे हैं काल सर्प दोष की प्रॉब्लम है पढ़ाई के दिक्कतां ने घर के बरकत नहीं हैगी शत्रु थोड़ा परेशान कर रहे हैं कोर्ट कचहरी के मामले थोड़े उत्ते हावी हुए हैं विदेश यात्रा नहीं हो पा रही थोड़ा महसूस होंगे कि थोड़े उत्ते किता कराया या खिलाया पिलाया या कोई उपरी कसर है तुसी नशियां तो दूर नहीं हो पा रहे थोड़ा लंबी बीमारी है या घरेलू कला कलेश अशांति हैगी है घर नहीं बन पा रहा प्यार दे विच धोखा मिल गया या कोई सोतन तो परेशानी है या घर दे विच वास्तु दोषां दी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी किस्मत मंदी है जे इदां दी कोई भी समस्यावां ने तां उहदे इक वैदिक हल दे लई तुसी सानूं अपना टेवा दिखा के उहदा हल पुछ सकदे हो। नुक्ते दी गल करदे हां कि भुन्ने होए जीरे नूं तुसी बरीक पीस के मोम फिर जिहड़ा है राल ते घिओ मिला के जले हुए जख्म दे उत्ते लगाओगे तां बर्न जिहड़ा हैगा उह ठीक हो जाएगा ते जलन जिहड़ी है शांत हो जाएगी। बहुत वारी साड़ी बीमारी जिहड़ी है साड़ी बिल्कुल नहीं ठीक हो रही होंदी असीं बहुत सारियां दवाइयां लैंदे आ फिर भी ठीक नहीं होंदे ऐसी हालत दे विच सानूं टेवा जरूर दिखाना चाहिए क्योंकि सानूं पता लग जांदा है कि किहड़े ग्रह दे कारण जिहड़ा है किहड़ी बीमारी आ रही है ते छोटिया छोटिया जड़ियां बूटियां दे नाल भी तुसीं बहुत ज्यादा लाभ लै सकदे हो ते जे तुसीं पुछना चाहो तां तुसीं टाइम लैके नाम नोट करा के साढ़े को ला के अपने उन्ना माड़े ग्रहों के बारे पूछ सकते हो जिहड़े तुहानूं रोग दे रहे हैं तो उहदे बारे सुझाव लै सकते हो कि किद्दां तुहाडे रोग उन्ना ग्रहों के दान पुन खुद करके जल्दी ठीक। वास्तु की गल करते हैं घर का मुख्य दरवाजा यानी अग्नि यानी कि पूर्व दक्षिण के विच बनया होया तां घर का स्वामी कर्जदार हो जाता है उन्हें हमेशा ही मुकदमेबाजी चोरी ते अग का डर रहता है। सो घर के विच इस्तेमाल किया गया जल या बारिश के नाल इकट्ठा होया जल जिहड़ा ईशान कोण तों होके जे बाहर गिरदा है तां तुहाडे खानदान दे विच वाधा होवेगा संतान थोड़ी स्वस्थ रहेगी समाज के मान सम्मान भी बनया रहेगा। बहुत सारे लोगों के घर वास्तु दोष होंदा है टॉयलेट गलत जगह से बनी है मंदिर गलत जगह से बने रसोई गलत जगह से बनी है इस हिसाब के नाल घर के टलान जी कि रखनी है उत्थे नहीं है टैंकी कि उत्थे नहीं है टॉयलेट पिट जिथे नहीं होना चाहिए उत्थे है
यही कारण है कि लोग बहुत बीमार रहते हैं। जे थोड़े घर का वास्तु भी खराब है तो तुसी जा साडा पर्सनल विजिट करवा सकते हो या साडे को नक्शा लिया के उन्हें चेक करवा के बिना तोड़े भन्ने अपने घर का वास्तु निश्चित रूप से बहुत वधिया बना सकते हो। पर प्यारे दर्शकों आम तो पहला टाइम जरूर ले लियो। इदां गल करदे हां जी रुद्राक्ष के बारे। जे थानू खुजली हुंदी है तां रुद्राक्ष नूं निम दे पानी दे नाल किसके लेप करन दे नाल खुजली रोग दे विच लाभ हो जाएगा। सफेद दाग जदों है तां रुद्राक्ष ते बाबजी चार चार हिस्से ते हड़ताल एक हिस्सा लैके गौमूत्र दे नाल मिला के लगांदे हो तां सफेद दाग बहुत ही हैरानीजनक रूप दे नाल ठीक जरूर हो जाएंगे। सो प्यारे दर्शकों सारी ही जानकारी तुसी साडे अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच पढ़ सकते हो जिन्हों तुसी मंगवा सकते हो सिर्फ 130 रुपए साल दे भेज के हर हफ्ते तुहाडे कोल पहुंचेगा। रुद्राक्ष भगवान शिव जी की शक्ति का आशीर्वाद है। रुद्राक्ष पाने नाल जिथे तुहाडा बीपी ठीक हुंदा है उथे तुहानू कंसंट्रेशन मिलती है ते शरीर की सारी फालतू गर्मी जिहड़ी रुद्राक्ष बाहर कढ दिंदा है। तुहानू हर इंसान नू एक रुद्राक्ष जरूर पाना चाहिदा अपने लगन के मुताबिक या अपनी राशि के मुताबिक। रुद्राक्ष दे नाल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मिलती है। जिन्हें भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने जरूर रुद्राक्ष पाना चाहिए जिदे नाल याद रखने दे विच बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन रुद्राक्ष नू पाउण तों पहला एक चीज का जरूर ध्यान दो कि जे तुसी कोई भी नशा करते हो या कोई भी तुसी नॉन वेज खाने हो तो रुद्राक्ष तुसी बिल्कुल नहीं पा सकते। इन्हां चीजा का त्याग करना पेगा ताई तुहानू मिल पाएगा भगवान भोले शंकर जी का आशीर्वाद रुद्राक्ष के रूप दे विच। अपना टेवा दिखा के तुसी सानू भी पुछ सकते हो कि थोड़े केड़ा रुद्राक्ष पवेगा। असी साढ़े एक हफ्ते के सारे प्रोग्राम्स दे विच जिन्ने भी टोटके नुक्ते वास्तु रुद्राक्ष रत्ना बारे जानकारी ते ज्योतिष ते जिन्ने भी असी टॉपिक्स दसते हैं सारे दे बारे जानकारी तुसी साढ़े हफ्तावार अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच हासिल कर सकते हो। जे तुसी इहनू घर बैठे बिठाए मंगवाना चाहते हो तो सिर्फ 130 रुपए साल दे भेज के तुसी 52 इशूज थोड़े कोल घरे डाक राही पहुंच जाएंगे जिदे नाल जिते तुसी बहुत ज्यादा ज्योतिष की जानकारी भी हासिल कर सकते हो उथे ओदे नाल बहुत ज्यादा लाभ भी उठा सकते हो। सो देर ना करो दर्शको। महेंद्र जी नूं काफ़ी अच्छी तरह नाल जानना हूँ तो उन्होंने जिन्हें भी उपाय हैं मैं काफ़ी अपनी लाइफ च अजमाए हैं तो उन्होंने नाल मैनूं काफ़ी फायदा भी होया है तो मैं चाहना भी तुसी सारे भी उन्होंने उपाय अपनाओ। मेरे घर में ना कोई प्रॉब्लम था फिर मैं सुखिंदर जी को मिला उन्होंने मेरे को कुछ उपाय बताए उसकी वजह से मेरे को बहुत फायदा हुआ लड़का हाल मतलब ठीक ठाक चल रहा है। असी सवेरे सुखमिंदर जी का प्रोग्राम देखी है ये उन्होंने दसवे उपाय असी किए जे दस देने उन्होंने सानू बहुत फायदा होया बिजनेस भी वैसे भी लाइफ में बहुत फायदा होया बड़ा अच्छा उपाय दस देने। सुखमिंदर जी का जो जोशी जी हैं उनका प्रोग्राम रोज़ देखता हूँ और मेरे को इतना उपाय सूट किया है कि मेरा काम पहले बिल्कुल डाउन हो गया था जब से इनका मैंने उपाय इनसे देखा फिर मेरे को वो काफ़ी मेरे काम में बरकत मिलनी शुरू हो गई। आज मेरा काम काफ़ी ऊंचाइयों पर है और मैं सुखमिंदर जी पंडित जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। परिवारिक सुख के लिए तुसी जिहड़ा हमेशा सोना कान दे विच धारण करो केसर पा के दुध पियो शनिवार नूं नौ ना कट्टो ते मंगलवार नूं वाल ना कट्टो। जे तुहानूं तुहाडी जन्म तरीक समा स्थान कुछ भी नहीं पता बिल्कुल घबराओ ना ज्योतिष दे विच छोटे छोटे टोटके करके भी तुसी अपनी समस्या का हल हर हाल च कर सकते हो। लेकिन बहुत जरूरी है कि उदो पहला टाइम ले लो इसलिए फोन चक्को साडा नंबर कमाओ ते उस तो बाद टाइम लैके आओ भगवान तुहाडी समस्या जरूर हल करनगे। गल करते हैं असी रतन के बारे। सो पन्ना जड़ा है धारण करने के बारे तुसी नोट करो कि कर्क लगन वाले जातकों के लिए बुध जड़ा है तीजे ते बारहवें दोवां ही माड़े स्थानों का स्वामी हो जाता है इसलिए इस लगन वाले जातकों को पन्ना कदी नहीं पाना चाहिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए बुध जड़ा है दूजे यानी कि धन भाव से ग्यारहवें यानी कि आमदनी की प्राप्ति के मुख्य कारक बन जाता है। लेकिन इन्होंने पन्ना जड़ा है सिर्फ बुद्ध की दशा से अंतरदशा के पाना चाहिए क्योंकि दोनों ही भावों के एक मारक हैगा तो दूजा दुख स्थान भी हैगा। इदे कन्या लगन वाले जातकों के लिए बुद्ध जड़ा है लगन के दसवें भाव का स्वामी होता जिहड़ा कि योग कारक हैगा। सो इस लगन के जातकों सारी जिंदगी ही पन्ना धारण करना शुभ रह सकता है यह शारीरिक स्वस्थ्या तो प्रदान करेगा लेकिन बुद्ध की दशा के जातक को विशेष लाभ भी देगा। तुला लगन वाले जातकों के लिए बुद्ध जड़ा है फिर बारहवें ते नौवें भाव का स्वामी होता नमेश होने के नाल भाग्य होएगा लेकिन जड़ा
12वें भाव का स्वामी होने के कारण इहदा दोष भी होगा। इसलिए इस लगन वाले जातकों के लग्नेश शुक्र के नाल जिहड़ा है रतन हीरा तुसी धारण कर सकते हो। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बुध 8वें ते 11वें का स्वामी होंदा है, इसलिए इस लगन के विच लग्नेश जिहड़ा है मंगल हो जाता जिहड़ा कि बुध का शत्रु भी है। इसलिए इस लगन वाले जातकों नूं पन्ना रतन धारण करने नाल उस तो बचना चाहिए। जे बुध दूजे चौथे पंजवें नौवें ते 11वें भाव दे विच स्थित होवे तां पन्ना सिर्फ इहदी दशा दे विच ही धारण किया जा सकता, बाद च इहनूं उतार देना चाहिए। बुध लगन वाले जातकों के लिए बुध दो केंद्र स्थाना 7वें ते 10वें का स्वामी होता है जिहड़ा कि केंद्राधिपति दोष के नाल भी पीड़ित हो जाता है। इसलिए इस लगन वाले जातक नूं पन्ना रतन धारण नहीं करना चाहिए। मकर लगन वाले जातकों के लिए बुध जिहड़ा है 6वें ते 9वें भावेश का स्वामी होता है। इहदी मूल त्रिकोण राशि जिहड़ी है 9वें दे विच पै रही है ते ऐसी हालत दे विच मकर लगन वाले दे लई लाभकारी साबित हो सकता है जिथे बुध लग्नेश शनि का भी मित्र है। इसलिए पन्ने नूं नीलम दे नाल पाउण दे नाल लाभ मिल सकता है। सो ये सारी ही जानकारी तुसी साडे अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच पढ़ सकते हो, जिहनूं डाक राही मंगवाउण दे लई तुसी सानूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रत्ना दे विच बहुत ज्यादा शक्ति हुंदी है। ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਤਨ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਪਹਿਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਰਤਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਤਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਤਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਸਿਰਫ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਵਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ੁਭਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਆਨੰਦਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਨੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੀਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਇਸ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ 3G ਸਰਾਪਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 94-170-2533 ਤੇ 98-726-2533। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੁਕੇ ਜਾਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਮਾਧਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1000% ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਲੂ ਬਣਾਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ।